Hey guys, welcome back to Brainheaters. This is Riddhi and आज के वीडियो में we are going to talk about how to pass PP2 in 3 to 4 days. तो guys, जैसा कि हम सबको पता है कि PP2 में बहुत सारे processes के बारे में दिया है, ठीक है? फिर cutting tool materials के बारे में दिया है और इसका syllabus भी थोड़ा vast है. तो फिर exam के time पे ना students को बहुत problem होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे processes हैं तो confusion होने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं और कभी कभी तो कैसे होता है कि students important questions को भी option में छोड़ देते हैं. तो ये सब ना हो इसीलिए हमने आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकाल के रखे हैं जो आपने अगर PP2 में कर लिए तो आप इजीली सब्जेक्ट पास कर सकते हो. तो ये जो 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, उनका वैल्यू हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. सपोज आपके पास दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में बहुत सारे कॉइंस हैं और दूसरे बॉक्स में कम नोट्स है, लाइक 3-4 500 के और 4-5 2000 के, और आपके पास ऑप्शन है कि आपको कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो फिर आप कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करोगे? आई गेस आप सेकेंड वाला बॉक्स सिलेक्ट करोगे क्योंकि भले ही नोट्स कम है बट उनका वैल्यू कॉइन्स से ज़्यादा है, ठीक है? नो मैटर आप कितने भी कॉइन्स पिक कर लो बट उसका वैल्यू नोट्स को मैच नहीं कर सकता है. इन द सिमिलर वे अगर आप पूरा सिलेबस भी करने जाओगे तो मतलब अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करोगे तो देयर इज नो वर्थ यू नो प्रिपेयरिंग द एंटायर सिलेबस. तो हमने जो ये आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकाल के रखे पास होने के, वो हमने 4-day प्लान में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट डे का जो प्लान है ना, उसमें का हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको तो वो ये है, लेजर बीम मशीन है, ओके, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स. नेक्स्ट इज लैथे टूल डायनामीटर, ओके, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस शीट मेटल प्रोडक्शन प्रोसेस विथ नीड स्केचेस, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन जिग्स एंड फिक्स्चर्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विथ नीड स्केचेस. फर्स्ट इज लोकेटर्स, क्लैम्पिंग डिवाइसेस और एनी टू ऑफ ईच, ओके, यू हैव टू एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दिस कैन आइदर कम फॉर 5 or 10 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई वेरियस एडिक्टिव मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसेस, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. तो डे 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्लासिफाई वेरियस नॉन ट्रेडिशनल मशीन प्रोसेसेस, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ओके, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन इन डिटेल, दिस कैन कम फॉर 5 or 10 मार्क्स. नेक्स्ट इज लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनोमीटर्स एंड एक्सप्लेन स्ट्रेन गॉज डायनोमीटर, ओके, दिस कैन कम फॉर 6 मार्क्स, ओके. तो ये थे आपके डे 1 डे 2 के प्लान जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पास होना है तो ये 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, बट हम आपको बोलेंगे आप रिस्क मत लो और डे 3 और डे 4 का प्लान भी देख लो, जिसमें डे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड माइलिंग कटर्स इन डिटेल, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मशीनेबिलिटी, ओके, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिक्टिव मैनुफैक्चरिंग दैट इज AM एंड CNC मशीनिंग, ओके, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज राइट द न्यूमेरिकल फॉर फाइंड द वर्क डन फॉर द गिवन XYZ न्यूमेरिकल, दिस कैन कम फॉर 6 मार्क्स. नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ माइलिंग कटर, ओके, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर डे 3 इज GM कोड्स इन CNC मशीन्स, ओके, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. तो ये था आपका डे 3 का प्लान. अब देखते हैं डे 4 का प्लान, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन कटिंग टूल मटेरियल्स, ओके, दिस कैन कम फॉर 6 मार्क्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर ऑफ हॉरिजॉन्टल CNC मशीन, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज अ टूल डायनोमीटर विथ अ नीट स्केच, ओके, दिस कैन कम फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट इज राइट इन ब्रीफ अबाउट टूल सिग्नेचर, दिस कैन कम फॉर 4 to 5 मार्क्स. तो गाइज ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके PP2 के पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पास होना है तो ये करके जाओ, बट हमने आपके लिए Brainheaters स्टडी मटेरियल्स भी प्रिपेयर करके रखे हैं, जिसमें से पहला है Brainheaters क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है, सेकंड इज Brainheaters क्वेश्चन पेपर्स एंड थर्ड इज BH ब्लूप्रिंट्स, ओके. Brainheaters क्वेश्चन बैंक्स में कैसे होता है पता है, हर मॉड्यूल में से हमने आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है. Brainheaters क्वेश्चन पेपर्स में हमने आपके लिए कैसे किया, जो पास्ट यूनिवर्सिटी पेपर्स है ना, हमने उसमें से जो जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हुआ है उसको एक कलर स्कीम दी है, जो देख के आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और वो कितना इंपॉर्टेंट है, ओके. एंड Brainheaters ब्लूप्रिंट में कैसा है पता है,
हमने एक एस्टिमेटेड ब्लूप्रिंट निकाली है कि ये क्वेश्चन में से ये मॉड्यूल में का क्वेश्चन आता है, ओके। तो अगर आप वो देख लोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि PP2 का पेपर कैसा दिखता है, यू नो हाउ इज द पैटर्न। तो अगर आपने ये सब कर लिया तो आप इजीली PP2 में स्कोर भी कर सकते हो और पास भी हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। कमेंट करके हमें बताओ कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए ताकि हम उसको जल्दी से ला सकें। और अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आपको कुछ भी क्वेश्चन एंड आंसर डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जहां हम रेगुलरली लाइव आते हैं। और हाँ, याद से ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि अगर हम कोई नया वीडियो डालें तो आप वो मिस आउट ना करो। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू ब्रेन ईटर्स। थैंक यू।